Hey guys, welcome back to the channel. तो आज हम जा रहे हैं डीसी ऑफिस, जो कि कुछ कागज वागज लेके आने हैं, वही सब के लिए जा रहे हैं, तो हम कंटिन्यू करते रहेगा रास्ता। ऐसा ढूंढने चलना बहुत मजा होता है। क्या कर रहा भैया? हाँ जा रहे, धूप है ना आज को? अच्छा गर्म लग गया, पूरा काम करने वाले लोग भी बैठा हुआ है ऊपर में। हम आज अलग ही रास्ता से जा रहा है डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस में जाने का यहाँ पे दो थो रास्ता है, जो कि आप लोग नदी पार से जाने से, एक तो नेहरू पॉइंट साइड में मेन रोड में आते हैं वो एक तो, और ये लोंगड़ी बस्ती साइड से एक भी आता है। तो हम आज जा रहे हैं लोंगड़ी बस्ती साइड से। तो इस तरह से ज्यादा धूम नहीं होता है, रास्ता ठीक है चलने के लिए, पर इस तरह में जाने से आने से अगर आप लोग को आने से थोड़ा कीचड़ मिलेगा रास्ता में, और मछली रखने वाला पोन मिलेगा रास्ता रास्ता में, थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन अरुणाचल में चलते वो सब। शायद अभी स्कूल छुट्टी होने का समय हो गया, वो पीछे देखो ढेर लोग जा रहे स्कूल से। अभी टाइम हो चुका है 11:30 बज गया, तो आजकल एग्जाम का टाइम है ना, स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाते। अगर आप लोंगड़ी बस्ती से आने से पानी खरीदने के लिए आप लोग को दुकान मिलेगा, तो उससे पानी ले सकता है। नीचे में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो वो सारा आदमी लोग था, गाड़ी बहुत ज्यादा पार्किंग किया था, इसलिए थोड़ा सा गैप रखा है। कुछ नहीं, कंटिन्यू करते है, इतना अब उतना पढ़ते है। एक्चुअली हम डीसी ऑफिस में कुछ डेट ऑफ बर्थ, पीआरसी, एसटी, ये सबका फॉर्म लेके आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर से डायरेक्ट घर जाएगा उसको लेके। कुछ नजारा ऐसा है, डीसी ऑफिस के सामने पहुंच गया हम बिल्डिंग। ऊपर जाके दिखाएगा, हम ऊपर तो भी उठेगा, कुछ नहीं पर चलता है ये सब। नहीं यहाँ पे होगा। हाँ कुछ नहीं। हाँ क्योंकि इसको आजकल बनाने से कब तक मिल जाएगी? और वो भी नहीं हुए ना अभी तक, उसमें बनाया था ना, लेकिन ना कुछ कुछ वो जो गलती था बोले, नहीं उसमें तो सिर्फ एसटी किया था, लेकिन ना उसमें कुछ जो क्या बोलते डॉक्यूमेंट जो ना गायब था बोलते ना, तो इसलिए ऑफिस वाले एक्सेप्ट नहीं किया। एक हिमजा में आया था ना तब एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो लोग बोले कि वापस बनाओ बोल के ना। थैंक यू। तो ये ऊपर का छत है डीसी ऑफिस का, तो देखो ये फॉर्म ले लिया हम, ये पहले का पुराना वाला ऑफिस था, तो अभी यहाँ पे नया बिल्डिंग बना है, तो शिफ्टिंग कर दिया ना। अरे यार बहुत मजा है यहाँ पे आने से, पूरा दिमाग ही खोल जाते हैं, फ्रेश पूरा। डर तो लगते रहे उनसे भी कुछ नहीं। ये वाला मेन रोड, यहाँ पे जाते मेन रोड, तो अगर आप लोग को उस साइड जाना है तो सिमरंग बस्ती मिलेगा, जो कि खोचे रंगत वो सब बस्ती मिलेगा, जूंग मैसूंग वो सारा बस्ती है उस साइड में। तो अगर आप लोग ये यहाँ से डायरेक्ट इस साइड जाने से नेहरू पॉइंट मिलेगा, और जो मेन मार्केट है वो सब मिलेगा, पीके पॉइंट, टीटी पॉइंट, इधर यहाँ से मिलेगा। तो ये डीसी ऑफिस का मेन रोड ना, ऐसा नजारा दिखता है यहाँ से। ये जो देखो यहाँ का ट्रेडिशनल टोपी है, जो कि हम लोग कुछ फेस्टिवल होते हैं, जो मेन फेस्टिवल होते हैं उस समय जो लगाते हैं ना हम लोग का, जो माथा में लगाते हैं उसको बोलते हैं केपना टोपी, वो यहाँ का एक तो मेमोरियल ना बना के रखा हुआ है यहाँ पे।
तो आप लोग भी देख सकते हैं, हम आप लोग को थोड़ा सा दिखा देगा। मेरा कैमरा में नहीं कैप्चर हो रहा था। यहाँ पे ऊपर में ऐसे तो जान नहीं देता उनसे, हम यहाँ पे एक तो भैया को पूछ के है ना, तो वो भैया से पूछे तो वो भैया हमको ऊपर में लेके आए, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसे तो जान नहीं देते यहाँ पे। ऐसा नजारा से बन गया ये, थोड़ा सा थोड़ा सा उठ के देखिएगा। अरे यार बहुत ही हाइट में उठना है, यहाँ पे संभाल के चलना है। चलो और भी ऊपर थी यार, अभी हवा लग रहा है मुझे, अभी हवा मिल रही है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक नया रास्ता। कितना दिन लगा भैया ये बनाने के लिए? कितना दिन बना ये? तो मुझे मालूम नहीं है। 4 दिन ये सीढ़ी बनाने के लिए? मैंने तो पहले बनाया था ना। ओहो, कुछ नहीं, काम करते रहे ना। ऐसा रास्ता में ब्लॉग नहीं करना चाहिए यार। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं आर्मी कैंटीन में जो कुछ सामान लेने। हम थोड़ा पहले को डीसी ऑफिस गया था, तो डीसी ऑफिस से आने के बाद थोड़ा 2 घंटे ऐसा रेस्ट किए, उसके बाद हम फिर से अभी जा रहे हैं आर्मी कैंप, तो कुछ सामान लेके आएगा, उसके बाद वीडियो को एंड करेगा। हम आज कुछ शॉर्टकट रास्ता से जा रहे हैं। अभी दिन लाइफ में ऐसा दिन भी आते हैं जो कि एक दिन में बहुत सारा काम करना पड़ता है आपको, और कभी दिन आपको ऐसा भी टाइम आता है जो कि आप बहुत बोरिंग रहते हैं, आप बहुत फ्री होते हैं, तब कुछ काम नहीं होते। तो आज भी मेरा वही दिन आ गया जो कि एक दिन में ही इतना दूर दूर जाना। हम लोग पहुंच चुका है चिल्ड्रन पार्क का सामने। ये है मोरमोर ग्राउंड जो कि पोंगतू ग्राउंड और ये चांगलांग का मेन फेस्टिवल होता है, मोरमोर फेस्टिवल जहाँ पे होता है, वो कुछ प्रोग्राम दिखाते वो घर में शाम को। ऐसा है नजारा छांगलांग रास्ता, ये मेन रोड। और हमको कोई ये छांगलांग वाला वीडियो में कोई पूछ रहा था कि मेरा सब्सक्राइबर छांगलांग में आने से कहाँ पे रहेगा बोलते ना, तो वो एक पीछे में जूदी गेस्ट हाउस है, वहीं पे रहने के लिए है, जो कि आदमी लोग बाहर से आते या यहीं से भी हो उसको ऐसे रिजर्व में कर सकते है, बुकिंग कर सकते है, एक दिन जा 2 दिन कितना दिन भी हो वो लोग ऐसे रह सकते हैं। तो आप लोग अगर छांगलांग आने से बाहर से कोई छांगलांग आने से आप लोग के रहने के लिए कम नहीं है, है जगह, होटल वगैरह मिलेगा आप लोग। अभी छांगलांग में रोड कंडीशन बहुत ठीक है, पूरा ऐसे सीमेंटेड रास्ते सब में।
जो बाद में हम वहीं पे उस साइड में गया था, उस साइड में तो थोड़ा बस्ती से जाते हैं ना, जो कि लोंगड़ी बस्ती है इसलिए। लेकिन अब टाउन का अंदर रहेगा ना, तो पूरा सीसी रोड बनाया हुआ होगा। मजा आया रास्ता, पहले से बहुत ही बदल गया चांगला। 2017 में कैसा था ऐसा नहीं आ गया। बाइक आ रहा है पीछे में, कौन है? ओह स्कूटी, प्रैक्टिस कर रहे। तो हम पहुंच गया अभी 1 माइल में। यहाँ से थोड़ा सा आप उड़ने से पास में का ऐसा रास्ता होगा, तो उसमें से आर्मी कैंप मिलेगा। आर्मी कैंप का अंदर व्लॉगिंग, वीडियो शूटिंग, कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, तो बंद करना पड़ेगा मुझे भी। तो आज का काम हो गया, अभी हो गया घर में। तो अगर आप लोग चैनल में नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।